अस्सलाम वालेकुम। सरगोधा यूनिवर्सिटी की तमाम एजुकेशन की अपडेट लेने के लिए सरगोधा यूनिवर्सिटी ऑफिशियल चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ चैनल को लाजमी शेयर करें। उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी जो बीए बीएससी एडीपी स्टूडेंट के लिए बनाई थी, जिसके अंदर आप लोगों को क्लियरली मैंशन किया था कि आप लोगों ने पंजाब यूनिवर्सिटी, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, उनकी चीज़ें फॉलो नहीं करनी, आपने सरगोधा यूनिवर्सिटी की चीज़ें फॉलो करनी है क्योंकि आपकी चीज़ें उनसे डिफरेंट हैं। लेकिन शॉपकीपर्स, काफ़ी कुछ यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया के ऊपर टीचर्स आप लोगों को ठीक से गाइड नहीं करते, तो इसलिए बेहतर है कि आप लोग सरगोधा यूनिवर्सिटी ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी शेयर करें जो भी स्टूडेंट सरगोधा यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मुतालिया पाकिस्तान के बारे में। ये इंग्लिश के बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इम्पोर्टेंट ये क्यों है? क्योंकि मोस्टली तो स्टूडेंट समझते हैं कि ये एक नॉर्मल सब्जेक्ट है, पास हो जाता है, ये है वो है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि आप लोगों को पता है कि बीए बीएससी एडीपी पार्ट वन में कंपलसरी सब्जेक्ट होता है मुतालिया पाकिस्तान और इस्लामियात, लाजमी 100 मार्क्स के, यानी कि 40 मार्क्स की मुतालिया पाकिस्तान, 60 मार्क्स की इस्लामियात। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि अगर आप इस्लामियात में 60 में से 50 ले लें तो जारी बात है 100 में से 33 वाला पास है, लेकिन मुतालिया पाकिस्तान में आप 40 में से फेल हो जाते हो, 40 में से आप कम मार्क्स लेते हो, 33% चाहिए होती हैं, दोनों में आपने सेपरेट सेपरेट पास करना होता है, नंबर्स सेम ही बन जाते हैं दोनों के, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने इस्लामियात लाजमी में अलहदा पास होना है, मुतालिया पाकिस्तान में आप लोगों ने अलहदा पास होना है, ठीक है। ये मुतालिया पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस है। अगर फ़र्ज किया कि इस्लामियात लाजमी में आपने 60 में से 50 मार्क्स ले लिए, ठीक है, जबकि 33 चाहिए 100 में से, तो मुतालिया पाकिस्तान में आपका 0 आ गया, तो इस तरह 100 से बन गए टोटल कितने मार्क्स बने, 50, तो ऐसे आप पास नहीं होंगे, फेल ही होंगे, क्योंकि आपने ये दोनों सब्जेक्ट अलहदा अलहदा पास करने होते हैं, ठीक है। इससे पहले आप लोगों के साथ एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट शेयर कर दूँ कि इंग्लिश की जो क्लासेज हैं और नोट्स हैं वो आप लोग सरगोधा यूनिवर्सिटी के एंड सिलेबस के मुताबिक ले सकते हैं। 03207589658 व्हाट्सएप नंबर है। 6000 प्लस स्टूडेंट्स को हम डील कर चुके हैं, ठीक है, जिसके अंदर नोट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, स्टूडेंट्स को क्लासेस भी दी गई हैं। 1 ईयर से ज़्यादा अरसा हो चला है हमें सरगोधा यूनिवर्सिटी को गाइड करते हुए, और उम्मीद है कि आप लोग भी उनमें से होंगे जिनको हमने गाइड किया है, या आप लोग अब नए आए हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों को हम गाइड करेंगे। तो आप लोग इंग्लिश की क्लासेस नोट्स के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चले जी, अब बात कर लेते हैं मुतालिया पाकिस्तान का पेपर पैटर्न कौन सा होता है, बुक कौन सी आपने लेनी है। आपको ये स्क्रीन पर नज़र आ रही है बुक की पिक्चर, या आपने ना कोशिश करें कि मुतालिया पाकिस्तान की जो बुक है वो आप इल्मी वालों की ले लें, ठीक है। ये इल्मी वालों के आपके सामने नज़र आ रही है, यहाँ से आपने अपनी तैयारी मुकम्मल करनी है, और कोई भी चीज़ नोट्स वगैरह ज़रूरत नहीं है, आप ये वाली बुक ले सकती हैं। अब बात करते हैं पेपर आपका कैसा आता है। पेपर ये आपके सामने ओपन किया हुआ है 2022 का, ये सरगोधा यूनिवर्सिटी का है, पंजाब यूनिवर्सिटी, जीसी यूनिवर्सिटी, बाकी सारी यूनिवर्सिटियों को आपने भूल जाना है, आपने सिर्फ सरगोधा यूनिवर्सिटी की चीज़ों को फॉलो करना है, और सरगोधा यूनिवर्सिटी की जो चीज़ें हैं वो आपको मिलेगी कहाँ से, सरगोधा यूनिवर्सिटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। इसके अलावा आपको इतने अच्छे से कोई भी गाइड नहीं करेगा। तो ये 2022 का पेपर है जी, 40 मार्क्स टोटल होते हैं, ठीक है, 1.5 घंटे का आपके पास टाइम होता है, कंपलसरी ये पेपर होता है। अटैम्प्ट एनी टू क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। ये देखें जी, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे आपको बता दूँ कि आप लोग ये पेपर उर्दू और इंग्लिश में जिसमें मर्जी आप दे सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में देना चाहते हो इंग्लिश में कर सकते हो, अटैम्प्ट उर्दू में करना चाहते हो उर्दू में अटैम्प्ट कर सकते हो। कोशिश करें उर्दू में करें, क्योंकि उर्दू में सेल्फ राइटिंग ज़्यादा हो जाती है और मार्क्स अच्छी आती हैं। अब ये देखें जी, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, यानी कि 4 सवाल दिए गए हैं, लिखा हुआ है अटैम्प्ट एनी टू क्वेश्चन, यानी कि सिर्फ आपने 2 सवाल अटैम्प्ट करने हैं। ये नहीं है कि टाइम आपके पास है तो आप 3 सवाल कर लें, आपको सिर्फ पहले 2 सवालों के नंबर मिलने हैं। तो बेहतर है कि आप जो 2 सबसे ज़्यादा अच्छे आते हैं सवाल, वो 2 अटैम्प्ट करें। एक सवाल आपका 20 मार्क्स का है। अब यहाँ पर ये देखो इंपॉर्टेंट समझें कि एक सवाल 20 मार्क्स का है। 20 मार्क्स में आप ये नहीं है कि सारी आप लोगों ने थ्योरी लिखनी है, आपने इनके आंसर हेडिंग्स के साथ देने हैं। हेडिंग लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। हेडिंग के साथ अच्छा अच्छा आंसर लिखें, और काफ़ी ज़्यादा लेंथ होनी चाहिए आंसर की, फिर जाके आप लोगों को मार्क्स मिलती हैं। 20 मार्क्स का एक सवाल है
तो इसकी इम्पोर्टेंस समझिए, इसको अच्छे से करें, ठीक है। ये पेपर आप लोगों को दिखाया गया क्या क्या, ताकि आपको पता चल सके कि सरगोधा यूनिवर्सिटी का पेपर कैसा होता है। ये आप लोगों के सामने सरगोधा यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल पेपर है, क्योंकि आप लोगों के साथ हमेशा बात की जाती है सरगोधा यूनिवर्सिटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑफिशियल चीज़ों से। तो ये आप लोगों के सामने नज़र आ रहा है, ठीक है। ये 40 मार्क्स हैं, 20 20 मार्क्स के दो सवाल आपने अटैम्प्ट करने हैं, चार होते हैं, दो आपको चॉइस दी जाती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि अब आपको ये समझ आ गई होगी मुतालिया पाकिस्तान की। ये जब भी आप लोगों ने मुतालिया पाकिस्तान 2023 24 25 जब भी आपने अपीयर होना है, तो आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और आप लोगों ने इसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। बुक आप लोगों को बता दी है मुतालिया पाकिस्तान की, इल्मी वालों की आप लोगों ने लेनी है, और बाकी इंग्लिश की आप लोगों ने कोई भी बुक नहीं लेनी, वो हमारी जिम्मेदारी होगी। हम आपको नोट्स देंगे, क्लासेस देंगे, वो आप लोगों ने सिर्फ वहीं से तैयार करना है, बुक से आप लोगों ने तैयारी नहीं करनी, ठीक है। तो मुतालिया पाकिस्तान की इल्मी की बुक ले लें। ऐसे ही इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इस्लामियात लाजमी की भी एक स्पेशल वीडियो आएगी, जिसके अंदर मुकम्मल डिटेल, पेपर पैटर्न, बुक्स, सारा कुछ आप लोगों को बताया जाएगा। सरगोधा यूनिवर्सिटी ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।